दोस्तों आज हम आए हैं नूह में। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप नूह का नल्लड़ महादेव मंदिर। तो दोस्तों नूह के नल्लड़ महादेव मंदिर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि नूह के लोग कैसे रहते हैं और यहाँ का रहन सहन कैसा है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप नूह में मस्जिद और ये है हरियाणा राज्य परिवहन नूह का बस अड्डा जो देखने में बहुत ही अंदर से सुंदर है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको ज़्यादातर नूह की गलियां और नूह का एरिया दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया है नूह का एरिया। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप यासिन मेयो डिग्री कॉलेज। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए नूह के दृश्य के यहाँ का रहन सहन और यहाँ की व्यवस्था कैसी है। नमस्ते दोस्तों, इंडियन विलेज ट्रैवलिंग देसी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे नूह। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले गांवों की और शहरों की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आपको भारत के गांव की वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप दिल्ली विलेज वीडियो और हरियाणा विलेज वीडियो में दिल्ली के गाँव और हरियाणा के गाँव की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम आए हैं नूह में। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप नूह शहर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नूह के ये दृश्य, नूह की गलियां के यहाँ का रहन सहन कैसा है और कैसे लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए नूह शहर को। दोस्तों ये देख रहे हैं आप अलवर चौक। दोस्तों कुछ दिन पहले ही नूह में दंगे भड़क गए थे। अब नूह की स्थिति कैसी है वो भी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं नूह शहर के अंदर। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लिए लेफ्ट साइड में है नूह का बस टर्मिनल। तो आइए दोस्तों पहले देख लेते हैं नूह का बस अड्डा, इसमें स्थिति कैसी है। ये है दोस्तों हरियाणा राज्य परिवहन नूह का बस अड्डा। तो दोस्तों देखने में तो नूह का बस अड्डा बहुत ही साफ सुथरा और शानदार हमको दिख रहा है। यहाँ पे स्थिति बिल्कुल अनुकूल दिख रही है। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और कुछ एक सवारी भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं नूह शहर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है। शायद यहाँ पे दंगों में रोड को भी नुकसान पहुँचा होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे रोड का रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रोड की हालत भी कोई खास नहीं थी। तो दोस्तों चलते हैं नूह शहर के अंदर। रोड पे दोस्तों दुकानें ज़्यादातर हमको यहाँ पे बंद ही मिली। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दुकानों के स्टर डाउन हैं, ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे बंद ही हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप दवाइयों की दुकान खुली हुई थी और ये कुछ एक दुकान यहाँ पे खुली हुई हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आगे जाके ही ज़्यादातर दुकानें हमें खुली हुई मिली। दोस्तों नूह शहर को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है, जिसके लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं।
भारत की जनगणना 2011 के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नूह नगर पालिका समिति की जनसंख्या 16,260 थी, जिसमें से 8,502 पुरुष हैं जबकि 7,758 महिलाएं हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 3,034 है, जो नूह की कुल जनसंख्या का 18.66% है। नूह नगर पालिका समिति में महिला लिंग अनुपात राज्य के औसत 879 के मुकाबले 912 है। इसके अलावा नूह में बाल लिंग अनुपात हरियाणा राज्य के 834 की तुलना में लगभग 942 है। नूह शहर की साक्षरता दर राज्य के औसत 75.55% की तुलना में 69.62% कम है। नूह में पुरुष साक्षरता दर लगभग 70.91% है, जबकि महिला साक्षरता दर 60.74% है। नूह नगर पालिका समिति का कुल प्रशासन 2,636 घरों पर है। यहाँ पर पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। यह नगर पालिका समिति की सीमा के भीतर सड़कें बनाने और इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों पर कर लगाने के लिए भी अधिकृत है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि नूह में मार्केट खुली हुई है, लेकिन दोस्तों रोड की हालत बहुत ही खस्ता है। रोड बना हुआ नहीं है, रोड टूटा पड़ा है। दोस्तों ये जो जनसंख्या के आंकड़े मैंने बताए हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार थे। दोस्तों वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे नल्लड़ का महादेव मंदिर। दोस्तों ये सामने आप मस्जिद देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रोड की हालत बहुत ही खराब है, ये आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख ही रहे होंगे कि मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे खुली हुई है और लोग बाग शॉपिंग कर रहे हैं। 2016 में मेवात का नाम बदलकर बना नूह। हरियाणा का यह जिला 4 अप्रैल 2005 को गुड़गांव और फरीदाबाद जिले के हथिन ब्लॉक के क्षेत्रों को लेकर बनाया गया था। हालांकि 2008 में हथिन उपमंडल को पलवल के नए जिले में पुनर्गठित किया गया था। साल 2016 में मेवात जिले का नाम बदलकर नूह कर दिया गया। नूह भारतीय राज्य हरियाणा में नूह उपमंडल और नूह जिले का एक शहर और प्रशासनिक मुख्यालय है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 248 यानी के NH 48 पर बसा हुआ है, जिसे गुड़गांव सोना अलवर राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है, जो गुड़गांव से लगभग 45 किलोमीटर यानी के 28 मील की दूरी पर बसा हुआ है। आइए दोस्तों बात करते हैं नल्लड़ महादेव मंदिर की। नल्लड़ पांडव जलाशय और नलेश्वर महादेव मंदिर नूह शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर नल्लड़ घाटी के भीतर स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला की नल्लड़ पहाड़ियों की तलहटी में नल्लड़ गांव के पास कई सुरम्य चोटियों से घिरा हुआ है। यहां नूह शहर से नल्लड़ रोड द्वारा मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही एक बड़े औपचारिक हिंदू धार्मिक द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। नल्लड़ पहाड़ी में ऊंचाई पर कदम वृक्ष के आधार पर एक प्राकृतिक जलाशय भी है, जहां नल्लड़ शिव मंदिर के पीछे 250 पक्की और लोहे की सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों वो हमने वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि वहां पे इस टाइम पुलिस का बहुत तगड़ा पहरा लगा हुआ है। दोस्तों लोकप्रिय मौखिक परंपरा के अनुसार पांडव यहाँ रुके थे, भगवान शिव से प्रार्थना की थी और अपने 14 वर्ष लंबे वनवास के दौरान एक यात्रा के दौरान इस जलाशय से पानी पिया था। शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज पास में ही स्थित है। नल्लड़ पहाड़ी की चोटी से दृश्य सबसे अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों महाशिवरात्रि पर एक बड़ा मेला और भंडारा यानी के लंगर का आयोजन भी किया जाता है। नूह के
नज़दीकी शहर हैं सोना, ताउडू, पलवल, गुड़गावा आदि। तो दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पे नौ शहर की गलियाँ। तो दोस्तों देखते रहिए नौ शहर के ये दृश्य।
दोस्तों ये सामने आप जो रोड देख रहे हैं, ये सामने रोड गया है नल्लड़ महादेव मंदिर की तरफ। तो दोस्तों थोड़ी देर में हम इसी रोड पर लौट कर आएंगे और जाएंगे नल्लड़ महादेव मंदिर के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं नल्लड़ महादेव मंदिर की तरफ जाने वाले रोड पर। तो दोस्तों ये जो आप पुलिस वाले देख रहे थे, यही
यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस रोड पर भी बहुत ज़्यादा आगजनी हुई थी और कई वाहनों को जला दिया गया था। तो दोस्तों आइए चलते हैं नल्लड़ महादेव मंदिर की तरफ। तो सामने दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर का द्वार। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नल्लड़ महादेव मंदिर। कदम कदम पर पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों द्वार पर पहुंचकर हमने अपनी आईडी दिखाकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। तो दोस्तों ये हम अंदर आ चुके हैं। दोस्तों सामने ही महादेव का मंदिर है। यहाँ पर बाइक खड़ी करके हम मंदिर के अंदर गए। तो दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन दोस्तों शिव भगवान की हमने थोड़ी सी झलक वीडियो में दिखाई है। तो दोस्तों ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं और पहाड़ के नीचे महादेव का मंदिर। दोस्तों ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसी के नीचे बना हुआ है ये महादेव का मंदिर। तो दोस्तों ये था नूह शहर। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।